हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स आज हम बात करेंगे uh, थिरुमलाई केमिकल्स के ऊपर मैंने आपको याद होगा दो महीना पहले भी इसके ऊपर एक uh, वीडियो बनाया था अगर uh, मैं आपको अपने चैनल पर ही लेके आया हूं जो आपकी आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारी चीज uh, वीडियोज़ बनाई हुई हैं इसी में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट टू मंथ्स बैक लाइक ट्वेंटी ऑफ जुलाई और ट्वेंटी ऑफ जुलाई मैंने ये थिरुमलाई केमिकल्स के बारे में एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने लिखा था नेक्स्ट मल्टी बैगर एंड उस टाइम पर अगर आप देखेंगे इसका रेट था कुछ सत्तावन रुपये के आसपास पचपन सत्तावन रुपये के आसपास और आज ये कुछ सेवेंटी एट सेवनटी नाइन रुपीज़ पर क्लोज हुआ है तो ऑलरेडी पैंतीस चालीस परसेंट का रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है इसी तरह से मैंने कुछ और भी अच्छे स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे अपने चैनल पर जैसे आप कैमलिन फाइन साइंसिस का देख सकते हैं तो फ्यूचर ऑफ कैमलिन फाइन साइंसेज के बारे में मैंने फॉरवर्ड लुकिंग एक वीडियो बनाया था जहाँ पर कि उस टाइम पे इसका रेट कुछ आई थिंक सिक्सटी सिक्सटी फ़ाइव के आसपास हुआ करता था और uh, या सेवेंटी के आसपास हुआ करता था एंड नाउ द स्टॉक इज़ ट्रेडिंग अराउंड हंड्रेड एंड टेन हंड्रेड एंड ट्वेल्व एंड उसमें भी मैंने आपको टारगेट बताया था एक सौ पंद्रह रुपये के आसपास uh, तो माय टारगेट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड इन कैमलिन फाइन साइंसेज थिरुमलाई केमिकल्स पे बात करते हैं थिरुमलाई केमिकल्स में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों हुई है और आने वाला समय कैसा है तो इसके ऊपर ही एक रिपोर्ट uh, है जिसमें कि आप uh, जानते ही हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी है जिसकी वजह से सारे ही केमिकल स्टॉक्स या कोई भी कंपनी में uh, आग लग जाती है अगर आप देखेंगे थिरुमलाई केमिकल्स के अलावा मैंने एक और इसी चैनल पर स्टॉक रिकमेंड किया था जो कि था आई पेट्रो का तो आई पेट्रो भी थैलिक एनहाइड्राइड में है और सेम वेज़ अगर आप देखेंगे तो थिरुमलाई केमिकल्स भी थैलिक एनहाइड्राइड बनाती है तो दोनों ही थैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली कंपनीज़ में बहुत ही अच्छा एक उछाल आ सकता है और इसी वजह से हम इसी पे थोड़ा समझेंगे कि ये क्या न्यूज़ है और तो इंडिया में इंक्रीज़ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन ए केमिकल फ्रॉम कोरिया तो ये कोरिया से डंपिंग हो रही थी तो इसमें पीटीआई के हवाले से न्यूज़ है कि इंडिया इज़ लाइकली टू तो इंक्रीज, इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी ऑन थैलिक एन हाइड्राइड ए केमिकल यूज इन इंसेक्टिसाइड्स एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री फॉर टू ईयर्स तो दो साल के लिए ये इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ा सकती है और इम्पोर्ट ड्यूटी भी बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा सकती है फॉर टू ईयर्स फ्रॉम साउथ कोरिया विद एन एम टू गार्ट डोमेस्टिक प्लेयर्स फ्राम जम्प इन द इनबाउड शिपियंस तो साउथ कोरिया से जो है डोमेस्टिक प्लेयर को खतरा होने की वजह से ये दो साल के लिए ड्यूटी बढ़ सकती है इम्पोर्ट ड्यूटी जो इंक्रीज इन ड्यूटी वॉज रिकमेंडेड बाई द कॉमर्स मिनिस्ट्रीज इन्वेस्टिगेशन आर्म डी जी टी आर विच इज डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ आफ्टर कंक्लूडिंग ए प्रोब इंटू एन एलेजड इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स ऑफ द कैमिकल फ्राम साउथ कोरिया फॉलोइंग कंपनीज बाई डोमेस्टिक तो इसमें जो डोमेस्टिक फॉर्म्स हैं उन्होंने ये गुहार लगाई थी इन टर्म्स इन फ्रंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड डीजीटीआर ने जब इस पर कुछ प्रोब किया तो उन्होंने भी पाया कि हाँ ये इम्पोर्ट हो रहा है काफ़ी भारी मात्रा में फ्रॉम साउथ कोरिया अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन इशूड बाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडी इज आई जी पेट्रोकेमिकल एंड थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड हेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ द बायोलिट्रल सेफ गार्ड प्रोब तो इन दोनों कंपनी आईजी पेट्रो ने और थिरुमलाई केमिकल्स ने ही ये फ़ाइल की थी एप्लीकेशन टू इनिशिएट दिस प्रोब इन इट्स कंक्लूजन द डायरेक्टरेट हैज स्टेटेड दैट इंक्रीज्ड इंपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स हैव कॉज्ड सीरियस इंजरीज टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली अगर इम्पोर्ट होना तेज़ी से शुरू हो जाएगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है और इसी वजह से ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ uh, uh, लगाई जाती हैं

इन्होंने इंक्रीज किया है 100% परसेंट तक एंड सेकेंड ईयर जो इंक्रीज करने की बात है रिकमेंड जो किया है वो सेकेंड ईयर uh, के लिए 75% परसेंट ड्यूटी uh, बढ़ाने की बात की है फाइनेंस मिनिस्ट्री विल टेक द फाइनल कॉल टू इम्पोज द ड्यूटी द बायलेटरल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज स्लाइटली डिप्ड टू यू एस बिलियन इन 2019 फ्रॉम यू बिलियन इन द प्रीवियस फिस्कल तो ये थोड़ा सा डिप ज़रूर हुआ है जो बायोलिटल ट्रेड है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ अब हम ये समझते हैं थिरुमलाई केमिकल्स का शेयर काफ़ी तेज़ी से चला है जैसे मैंने आपको बताया था अब हम इसका थोड़ा सा टेक्निकल पैरामीटर पर भी देखते हैं टेक्निकल पैरामीटर पर ये कैसा दिखता है अगर आप देखेंगे तो मैंने डेली का चार्ट थिरोमलाई केमिकल्स पे लगाया है और मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पर इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है कुछ सेवेंटी नाइन रुपीज़ थर्टी पैसे के आसपास तो 7930 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसने आ, कल फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को क्रॉस किया मगर सस्टेन नहीं किया ये ऑलमोस्ट 8135 तक गया बट सस्टेन नहीं करके नीचे आया थोड़ा सा एंड आई एम श्योर कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा बट एट द एंड ऑफ द डे ये इसका जो सेकेंड रेजिस्टेंस एटी है वो इसका सेकेंड रेजिस्टेंस है और अगर ये भी क्रॉस कर जाता है तो फिर इसके सामने एक बड़ा रेजिस्टेंस की तरह आएगा वो आएगा कुछ ऑलमोस्ट 87, 88 एटी के आसपास तो अभी इसमें थोड़ा सा स्टीम है अगर आप एम ए पर भी देखते हैं तो एम पर भी ये पॉजिटिव डाइवर्जेंसेज आने शुरू हुए हैं और आर एस भी 63 के आसपास है तो विच इज़ अ डिसेंट नंबर तो अभी जो सपोर्ट आप सम, आ, ले कर चलेंगे इसमें फर्स्ट तो सपोर्ट आप मान सकते हैं वो मान सकते हैं सेवेंटी एंड देन सेवेंटी तो ये दो सपोर्ट लेवल्स मान के आप इसमें काम कर सकते हैं और अगर मंडे को ये स्टॉक नीचे आता है बिकॉज ऑफ दिस यू एस में काफ़ी तेज़ी से डाउ uh, नीचे आया है बिकॉज वहाँ पे मिस डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही न्यूज़ आई कि कोरोना पॉजिटिव है तो काफ़ी तेज़ी से यू एस मार्केट नीचे आए हैं और उसके चलते थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी और आई एम श्योर मंडे को भी ये वॉलेटिलिटी रह सकती है और मार्केट नीचे आ सकता है अगर नीचे आता है तो आप इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी का भी फ़ायदा होगा और एनी विच वे ये जो मार्केट है थैलिक थैलिकनहाइड्रेड का ये भी ग्रो कर रहा है तो फॉर मी आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट बाई अगर आप इसको लॉन्ग टर्म रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर आप वैसे भी देखते हैं कि इसने फाइव इयर्स में कैसे रिटर्न दिए हैं तो आप अगर 2015 से देखते हैं अगस्त 2015 में इसका रेट हुआ करता था कुछ ट्वेंटी फोर रुपीज़ के आसपास तो वहाँ से इसने अपनी चाल दिखाई थी और उसके बाद ये कुछ दो सौ सत्रह रुपये तक जाने के बाद ही नीचे आया है बट अभी काफ़ी सारे इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और इसी के चलते मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है तो ये आप मान के चलिए कि अभी अगर ये इसने एटी रुपीज़ एटी वन रुपीज़ के आसपास अगर इसने तोड़ के ऊपर निकल गया ये वीकली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है अगर एटी रुपीज़ को क्रॉस करके अगर ये सस्टेन करने लगा तो ये इसका टू हंड्रेड वीकली मूविंग एवरेज भी है तो अगर एटी रुपीज़ के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज होकर अगर सस्टेन किया नेक्स्ट वीक में तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी चाल आ सकती है और इसी वजह से मैं इसको कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं सो दिस इज़ इट इन केस यू लाइक माय वीडियोस यू लाइक माय कंटेंट देन डू सब्सक्राइब माय चैनल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एज वेल सो मैं आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर करता रहूँगा एंड इन केस यू हैव एनी स्पेसिफिक वेरी यू कैन ऑलवेज़ राइट बैक टू मी इन इन द कमेंट सेक्शन इज़ वेल थैंक्स अलॉट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो